हाँ सर, कोटड़ा आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसी मामले में पीछे चल रहा है, इसको लेकर में जितनी मूलभूत सुविधाएं आज आप देख रहे हो उसमें 90% की पूर्ति अगर किसी ने की उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। कोई चाहे तो इसका विश्लेषण कर ले, चाहे सड़क नेटवर्क से हो, चाहे बिजली से हो, चाहे यहाँ के कॉलेज से लेकर के हो, इतना जो कुछ कर सकते थे और भविष्य में भी इस क्षेत्र का विकास ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। जो पिछड़ा हुआ है उसको बराबरी में लाना हमारा धर्म है। एक सर और सवाल है कि 132 केवीसी लाइन की यहाँ पे कोटड़ा में सख्त जरूरत है, जिसके बिना ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत कोटड़ा में भी लाइट की सुविधा नहीं मिल पाती तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या बिजली दे पाएंगे, इस विषय पर थोड़ा आप मेरे हिसाब से जब कभी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हमको इस बात के बारे में आगाह करेंगे तो हम 100% पूर्ति कर देंगे, 1% भी बाकी नहीं छोड़ेंगे।